लगाना सीख रहे हैं, इंक्रीमेंट करना और डिक्रीमेंट करना, यही यही सब कुछ है। एग्जाम्पल मैं लूं आपको आज की क्लास का, कि 4000 एक आइटम है, राइट, इसको रुपीज मान लो आज की क्लास के लिए, ठीक है। इसमें अगर मैं 25% का इंक्रीमेंट करता हूं तो ये कितने की हो जाएगी? दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो 4000 का 25% निकाल दो, यस और नो, और उसको फिर ऐड कर दो किसमें? 4000 का पहले 25% निकालो, उसको ऐड कर दो 4000 में, तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक भी, जब आपको पता है इंक्रीमेंट करना है तो एक से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और एक से बड़ी वैल्यू कैसे बनती है? ऊपर वैल्यू ज्यादा, नीचे वैल्यू कम, ये फैक्टर ग्रेटर देन वन है, यस और नो? तो 4000 में डायरेक्ट ये इंक्रीमेंट, जो भी आंसर आएगा आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ जाएगी, यस और नो? कोई आइटम इसका प्राइस बढ़ गया, और अगर इसका केस ये बनता है कि 4000, अब हम इससे सेकंड थर्ड केस में एंटर करने वाले हैं, कि अगर वो 25% डिक्रीज कर जाती, क्या कर जाती? 25% डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट, तो इस वैल्यू को कम करने के लिए हमें लेस देन वन से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? लेस देन वन से। जल्दी से सेटल हो जाइए, लेस देन वन क्या होती है वैल्यू बताओ? लेस एक बार कमेंट करके बताओ प्रॉपर, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, गुड मॉर्निंग भाई परविंदर, गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो समझ में आ रहा है? आज नया केस करेंगे अब इसके बाद, जल्दी से सेटल हो जाओ, ठीक है। 4000 में 25% इंक्रीमेंट, ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू कैसी है? इसे 4000 ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ आया होगा, वैल्यू है आपके पास, वो 4000 से बड़ी वैल्यू होगी, और 4000 में जब ये मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कैसी है? तो पूरी वैल्यू कैसी है? लेस देन। इसलिए जो नई जो आंसर आया होगा यहां पर रुपीज में, वो क्या होगा? 4000 से लेस होगा। क्या होगा? आप चेक कर सकते हैं चीजों को, और यही बेसिक आइडिया आपको रहेगा भी। लेकिन आज जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ ऐसा है, जैसे कि कोई शुगर आइटम है, शुगर एक आइटम है, ठीक है जी, उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया? कितना इंक्रीज कर दिया? हमें 25% इंक्रीज कर दिया। तो उसकी कंजम्पशन, इसको नॉर्मल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप समझेंगे अभी, उसकी कंजम्पशन हम कितने परसेंट कम करें, जो एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज हो। क्या हो? नो चेंज हो। इसको मैं इधर ले आता हूं, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को समझेंगे भाई। अब तक तो प्राइस प्राइस बढ़ रहा था, अब प्राइस के साथ एक नया वर्ड आ गया, कंजम्पशन। क्या आ गया? समझिए अब कंजम्पशन क्या होती है, बता दो। देखिए सिंपल सी बात है, एक है प्राइस, किसी चीज का कोई प्राइस है, मान लिया शुगर की वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज पर केजी है, क्या है? 1 किलोग्राम शुगर कितने की आती है? 100 रुपए की आती है, ठीक है। ये तो अच्छे दिन नहीं है, ज्यादा में ज्यादा ऊपर चले गए, ठीक है। अब हम ये बताओ कि एक फैमिली, वो हर महीने एक मंथली, जब एक बजट बनाती है मंथली बजट, तो शुगर के लिए उनकी जो कंजम्पशन है वो 10 केजी है, कितनी है? 10 केजी पर मंथ है। उनका शुगर का मंथली खर्चा कितना है बताइए? 10 × 100 है ना? ये क्या है था आपका? ये क्या आपकी शुगर की कंजम्पशन है, क्या है? 10 किलोग्राम एक महीने में खर्च कर रहे हैं, ये शुगर का प्राइस है, अमाउंट है, ठीक है। प्राइस को कंजम्पशन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो महीने का पूरा खर्चा आ जाएगा, कितना एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तो कितना खर्चा आया, कितना एक्सपेंडिचर बना? 1000 रुपये। कितना बना? मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 100 रुपये की शुगर बढ़ के 200 रुपये हो जाए, और भी अच्छे दिन आ जाए, और उन्होंने महीने का बजट, कहते हैं उन्होंने चेंज नहीं करना, 1000 रुपये ही लगाने, मैंने कहा एक्सपेंडिचर नो चेंज, तो क्या उनको शुगर की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी? क्या कितनी करनी पड़ेगी शुगर की कंजम्पशन? 5 किलोग्राम।
₹400 हो जाएगी और कम कर देंगे, 800 ₹1000 हो जाएगी, वो यूज करना ही बंद कर देंगे। इंडिया में यही है ना कि हम अपनी कंजम्पशन घटाते रहेंगे, आप प्राइस बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। प्याज टमाटर अब ₹200 किलो लेंगे ही नहीं, चलो जाओ वो नॉर्मल जो वेजिटेबल सेल करने वाले बेचते हैं, क्या कोई ले ही नहीं रहा, नहीं लेगा वो, हमें लगता है कि अभी ज्यादा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, जब वो सस्ती होती है लोग जब परचेज करते हैं, ठीक है, तो महंगी चीजें कोई परचेज नहीं करेगा। तो अब आप समझिए, हमारे पास पेपर के लिए, ये तो नॉर्मल बात होगी, हमारे पास पेपर के लिए एक फॉर्मूला बन गया, प्राइस को कंजम्पशन से जब मल्टीप्लाई करोगे, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा। टोटल ये खर्चा है, टोटल खर्चा आया, कंजम्पशन कितनी है और प्राइस कितना है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। मुझे ये बताइए, अगर ये चीज फिक्स रखनी है, इस चीज को आप, एक वर्ड होता है इंग्लिश में फिक्स को बोलते हैं, नोट चेंज को बोलते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब नोट चेंज, जैसे आपके एक पहले टेस्ट में 40 नंबर आए, दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40, इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट होना, कॉन्स्टेंट होना, ना तो बढ़ रहे हैं और ना घट रहे। तो अगर आप अपना प्राइस, ये चेंज नहीं, देखो हर महीने खर्चा कितना है, अब चाहे प्राइस कितना भी बढ़े वो कंजम्पशन घटाते चले जाएंगे, तो ये चीज हमेशा मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई और सामने वाली कॉन्स्टेंट हो जाए, और अगर एक चीज बढ़ रही है तो इसको डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ रही है घट रही है तो तभी ये कॉन्स्टेंट पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक बात मुझे बताइए, अगर ये बढ़ रही है, मान लिया इस इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी 100 × 10 कितना था, 1000 था, अगर ये 1000 का आप 1000 ही रखना चाहते हो और आप कहते हो कि मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, 100 का आपने बढ़ा के 1000 कर दिया, तो क्या आपको ये कम करना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो आपने फिक्स कर रखा है, तो कितना कर दिया, 10 से कम करके कितना करा, तो मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट। अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, अगर 5 को बढ़ा के आपने बड़ा कर दिया, 10 कर दिया, तो 4 को घटाना पड़ेगा तभी तो वो 20 रह पाएगा। इन दोनों को आपस में, एक को बढ़ना होता है, एक को घटना होता है, अगर सामने वाली चीज फिक्स हो जाती है, समझ में आ, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, क्या होता है इनवर्स, ये समझिए आप इस चीज को, इनवर्स, दो रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन होते हैं, वो भी समझा दूंगा एक बार सब बताओ, समझ में आ रहा है, मैं अब नया एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं जो बहुत काम आपको आने वाला है और वो जगह ये यूज होगा। दो रिलेशन है हमारे पास, दो चीजों के बीच में दो रिलेशन हो सकते हैं, रिलेशन, वो रिलेशन एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज एक्स है दूसरी वाई है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ जाएगा, और अगर एक्स घट रहा है तो वाई भी, और एक होता है इनवर्स रिलेशन, क्या होता है इनवर्स रिलेशन, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसको वैसे लिखते हैं, अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स कम, और अगर वाई घट रहा है तो एक्स, एक फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपकी स्पीड बढ़ गई कहीं पर जाने की तो टाइम क्या लगेगा, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, क्या होता है, अगर जाने की स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या लगेगा, और अगर जाने की स्पीड स्लो हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा, यह इनवर्स रिलेशन क्या है। अब आप कह रहे हैं एस और टी का लेवल इनवर्स रिलेशन को कैसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, बहुत यूज करूंगा मैं ट्रिक्स में इस तरह की चीजों को, ये समझ में आया, इसको 1/t, देखो अगर मैं टी को ऐसे लिखूंगा इसको तो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, पर ये तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, स्पीड और टाइम में डायरेक्ट थोड़ी ना होता है, स्पीड तो टाइम की इनवर्स होती है, यस और नो, कॉमन सेंस से समझिए, क्योंकि अगर ये है, अगर ये चीज बन रही है फिर तो ये होगा, और इसमें क्या होता है, दोनों बढ़ती हैं दोनों घटती हैं, लेकिन हमें टाइम के साथ स्पीड का ये रिलेशन लेके चलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, और भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा अब आप कहेंगे प्राइस और कंजम्पशन में कैसे इनवर्स रिलेशन हो गया, देखो कैसे, मैं सेम बना के दिखाता हूं आपको, एक बात मुझे बताओ, इधर देखिए यहां कंजम्पशन लिख लीजिए, लिख लिया कंजम्पशन, उधर एक्सपेंडिचर लिख दिया, पी कहां ले आओ, अब मुझे बताओ सी और पी में कौन सा रिलेशन है, अरे बताओ कौन सा रिलेशन है, ऐसा नहीं दिख रहा आपको, हमें देखने में लग रहा है डायरेक्ट रिलेशन है एक्स इंटू वाई, नहीं नहीं, सामने वाली चीज जब मल्टीप्लाई इक्वल टू होती है तो इसके इसको नीचे जाना होता है, तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, क्या आएगा, इसलिए हो रहा है कि जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, यही हो रहा है, स्पीड टाइम का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है एक्चुअल में जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये कैसा है, इस तरह से सी और पी में क्या रिलेशन है, इनवर्स, सी बढ़ेगा तो पी, सी बढ़ेगा तो पी क्या हो जाएगा कम, और सी घटेगा तो पी
बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये इनवर्स रिलेशन है। क्या है? समझ में आया कि नहीं है? तो कितने रिलेशन होते हैं दो क्वांटिटी के बीच में? दो रिलेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो पहले तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले मैं सब्जेक्टिव तरीके से करूंगा फिर ट्रिक बताऊंगा आपको। प्राइस क्वेश्चन लिखिए, इफ प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज बाय 25%, 25% कितने परसेंट इंक्रीज किया? 25% इंक्रीज। देन हाउ मच परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज टू मेंटेन एक्सपेंडिचर होता खर्चा कॉन्स्टेंट। सुगर का प्राइस 25% बढ़ गया, इस सबसे खास बात इन क्वेश्चंस में होती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती ही एक है सिर्फ, है ना। सुगर का प्राइस 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम करें ताकि एक्सपेंडिचर फिक्स रहे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कितने परसेंट कम करें भाई? 25%, 50%, 25% डिक्रीज कर दो, 50% डिक्रीज कर दो। एक आधा ऑप्शन और ले लेता हूं मैं, 20% डिक्रीज कर दें या 40% डिक्रीज कर दें। क्वेश्चन समझ में आया? भी शुगर का प्राइस ना 25% बढ़ गया। अब ये भी नहीं बताया शुगर पहले कितने की थी, ये भी नहीं पता, बस इतना बोला जो भी उसका रेट है ना, जो भी 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, जो भी मिल रही है वो पहले से 25% बढ़ गई। अब आप मुझे बताओ, आपको किसी चीज का को बढ़ाना, परसेंटेज में बढ़ाना घटाना आता है? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि शुगर 100 रुपए की किलो थी, पर केजी थी, तो 25% बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये बताओ। हाँ, 100 के तो सारे सिंपल सी चीज है, 100 का 25% 25 होता है, या फिर डायरेक्ट करो 100 का 25% बढ़ने का मतलब है 125 बटे 100। यस और नो? ग्रेटर देन मतलब ये कट के कितना हो गया? यही तो सिखा रहा था कल, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर। आप लोगों ने ये बोला, देखते हैं क्या होगा, अभी तो कुछ सोल्व नहीं किया। अब तक तो ये चल रहा था कि एक चीज का, इस एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस 100 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसका डिक्रीमेंट कैसे करते थे हम, ऐसे कुछ करके। यस और नो? ये बहुत प्रैक्टिस आपने इसकी, दो दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की। अब कुछ और चीज आ रही है प्राइस के साथ, कुछ और चीज देखते हैं। पहले मैं इसको सब्जेक्टिव तरीका कराऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ट्रिक का सीखेंगे, ठीक है। मुझे ये बताओ कि पहले सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके बराबर होती है? ये तो हर क्वेश्चन में आपको पता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्चा आपका आ जाए, ठीक है। तो मान लो कि प्राइस कितना है, 100 रुपए, ठीक है, ये प्राइस 100 रुपए, कंजम्पशन जो है वो एक महीने की मान लो 100 किलोग्राम है, कितनी, तो खर्चा बताओ कितना है, एक महीने में कितना आएगा। प्राइस अगर 100 रुपए होता है एक किलो शुगर का, और एक महीने में 100 किलोग्राम शुगर लग जाती है, कितनी लग जाती है, तो कितना खर्चा आएगा बताओ। एक किलो शुगर आती है 100 रुपए की, महीने में लग जाती है 100 किलोग्राम शुगर, 10,000 रुपए खर्चा आ जाएगा, कितना खर्चा आ जाएगा, इन दोनों का क्या ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहां भी मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो 10,000। कोई भी वैल्यू अगर अच्छा आप कुछ छोड़ लेना चाहते हो, प्राइस 50 ले लो, कंजम्पशन 50 ले लो, तो यहाँ 2500 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी लेके देख लेना, मैं समझा रहा हूं, आंसर सबसे सेम आएगा। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 25%, तो 100 का 25% कितना होता है आपको पता है अभी, 125 रुपीज। कंजम्पशन कितनी करें, डेफिनेटली जो भी वैल्यू आएगी वो 100 किलोग्राम से कम आएगी, यस और नो? क्योंकि अगर सामने वाली चीज आप 10,000 ही रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, तो इसको कम होना होगा, ये 100 से कम ही होगी, क्या होगी, डेफिनेटली वैल्यू निकालो,
एक्स की वैल्यू कितनी आई, 125 को से नीचे लेके जाऊं, 10,000 के नीचे लेके जाऊं, 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आ जाता है, 125 को 8 से 1,000 होता है, 125 को 8 और ये जीरो भी बची हुई, कितना आया एस। अभी क्वेश्चन है, जो शुगर 100 किलोग्राम लग रही थी महीने में, अब वो 80 किलोग्राम लगेगी अगर आप अभी भी 10,000 खर्चा करना चाहते हैं। पहली बात तो ये, मैंने वो तरीका सिखाया जो जनरली बुक्स में या किसी भी कॉन्सेप्ट में गिवन नहीं होता, क्योंकि वो ट्रिक देते हैं सारे, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको पता है एग्जाम का नेचर ट्रिक का ही होता है। लेकिन आप समझो, ये पहले से ही पता था हमें कि शुगर पहले का कंजम्पशन घटना चाहिए, पता था कि नहीं पता था? मैंने कहा था अगर प्राइस बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटनी चाहिए, तो 100 से कम आंसर पहले ही पता था, दिमाग में था हमारे, यस और नो? तो 80 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहते हो इसको 50 रुपये मान, इसको 50 मान लो, 50 रुपये, इसको 50 किलोग्राम कर लो, तो इसको 2500 कर लो, तो वहां से भी कुछ वैल्यू आएगी, गलत वो भी नहीं। लेकिन अभी हम आंसर तक नहीं पहुंचे, अभी आंसर तक नहीं पहुंचे हमें, हमें क्या पूछा है, कंजम्पशन की परसेंटेज बतानी, क्या बतानी? तो कंजम्पशन देखो, पहले शुगर कितनी लग रही थी 100 किलोग्राम, और अब शुगर कितनी लग रही है 80 किलोग्राम। क्या स्टूडेंट, जब दो चीजों में परसेंटेज चेंज निकालना हो, क्या निकालना हो, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना डिफरेंस आया? मैं देख रहा हूं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूं कि दो से आपके पहले नंबर दो थे, अब चार हो गए, कितने हो गए? तो देखो कितने कितने दो, पहले दो, पहले टेस्ट में दो थी, फिर चार आए आपके, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट आपका हो? दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, टू। पहले जहां से शुरू हुए थे ना, जहां से बढ़ना शुरू हुए थे वो ले लो नीचे, डिवाइड बाई टू। ये कल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये परसेंटेज चेंज का है, ये अलग फॉर्मूला है। जब परसेंटेज चेंज निकालना हो तो दो चीजों का डिफरेंस तो होगा ही होगा, भाई कहां से कहां पहुंचे हो आप, जहां से चेंज होना शुरू हुआ वो नीचे आएगा, इनटू 100, देखते हैं सही आएगा 100%। आप ये बताइए, दो का चार हो गया, दो का डबल हो गया, डबल कितना होता है 100%, कल बताया था, दो का चार हो गया कितना हो गया, अरे डबल तो आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट तो बन रहा है, डबल मतलब 100, कल बताया था, ये भी तो बताया था। तो आप मुझे बताइए, शुगर का, शुगर 100 से 80 हो गई तो कितना डिफरेंस है 20, कहां से चेंज होनी शुरू हुई, पहले 100 लग रही थी अब 80 लग रही, तो चेंज कहां से शुरू हुआ, यहां से चेंज होना, तो नीचे क्या आएगा इनटू 100, तो कितना परसेंट, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि परसेंटेज में आंसर चाहते हैं, तो जो आप सोच रहे थे ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। इसको भी और ट्रिक से भी करेंगे, चीजें समझाऊंगा, आप कहीं पर भी देखिए क्वेश्चन में दिक्कत क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना है कि 25% कंजम्पशन बढ़ गई और 25% आप घटा दोगे इक्वल आ जाएगा, परसेंटेज में 25% इंक्रीमेंट 25% डिक्रीमेंट के बराबर नहीं होता। तो जो, और यही बात है कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे भी और सबका गलत होगा भी। यहां फिर से देखिए, आप कोई नई वैल्यू, अच्छा ऐसा काम करेंगे नई वैल्यू लेंगे हम, सारे बच्चे क्या लेंगे नई वैल्यू, यहां 50 रुपए लेंगे, यहां भी 50 किलोग्राम ले लेना और यहां नई वैल्यू, फिर निकाल के देखेंगे चीज, है ना। अच्छा, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, प्राइस कंजम्पशन किसके बराबर होता है, आप इनफिनिटी वैल्यू ले लो आपकी मर्जी से, शाम तक करते रहेंगे सेम चेंज आता रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पर एक बच्ची याद रखना, अगर प्राइस 25% बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजम्पशन 20% कम होनी चाहिए, तभी आपका जो ये चीज है ये कॉन्स्टेंट रह जाए, क्या रह जाएगी, 10,000 खर्चा ही आएगा। मतलब शुगर 100 किलोग्राम अगर यूज कर रहे थे, अब आप कितनी करोगे 80 किलोग्राम, और परसेंटेज में इसको क्या कहते हैं एक बात मुझे बताओ, 100 का 80 कितना परसेंट होता है? नहीं नहीं यार, एक रुको, 100 का 1% कितना होता है, 1, 100 का 2% कितना होता है, 2, 100 का 20% कितना होता है, 20, कितना होता है, अच्छा 50 का 20% कितना होता है, 50 का 10% 5 होता है और 20% 10 हो जाए, कितना होगा? और जितनी भी वैल्यू है 100 को छोड़ के, सबका ना जो जो परसेंटेज होता है वो, और वो जो वैल्यू आती है वो अलग आती है, क्या आती है, 100 के केस में जो परसेंटेज पूछा वो इसका आंसर होता है, 100 का 1% 1, 2% 2, 100 का 20% 20, 100 का 40% 40, क्योंकि 100 गुना 40 बटे 100 करेंगे। कोई चीज 100 से घटकर 80 रह गई तो आपको यहां नहीं दिख रहा था कि 20% ड्रॉप करा है, कितना ड्रॉप करा है, अरे 100 से 20% कम करो, 100 का 20% कम कितना होता है 20 रुपए, तो माइनस करो कितना आया, आपने यहां नहीं समझ में आया आपको कि 100 किलोग्राम घट के 80 किलोग्राम हो गया, अगर ये 100 घट के 75 किलोग्राम आती कितनी आती, तब आप कहते 25% ड्रॉप करा, कितना करा,
समझ में आया? आपने यहां से नहीं समझा था, आप फिर भी 25% लगातार बोले जा रहे थे। 100 का 20% कम हुआ है, 100 का 20% होता है। अच्छा 100 से 20% कितना होता है? 100 का 20% 20, अगर बढ़ाना होता तो 120 आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए था? 100% से 20 कम करना है तो 100 में से 20 माइनस करो। अगर 100 का 40 आता, 100 का 40 तो मैं कहता 60% ड्रॉप। 100 का 40% 40, 100 में से 40 गया कितना होता है? 60। आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार? किसी बच्चे के, किसी के मार्क्स 100 हैं और 10 रह गए तो मैं कहूंगा 90% ड्रॉप आ गया इसके मार्क्स में। कितना? 100 में, 100 के केस में सब कुछ सेम रहता है। क्या रहता है? 100 का 90% 90 ही होता है, तो 100 में से 90 गया। क्योंकि देखो जब तक परसेंटेज है, जब तक आप 100 में से 90% नहीं घटा सकते, पहले 100 का 90% निकालना पड़ता है, वो खुद 90 ही होता है। कितना होता है? 90, 90। 100 में से 90 गया कितना है? 10। वैसे नहीं घटा सकते। 50 का 20% 30 नहीं हो सकता। जैसे 100 में से 100 का 90 10 हो गया, तो 50 का 20% 30 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50 का 20% कुछ, 50 रुपए का 20% कुछ अलग वैल्यू होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो 50 का 10, 20% 10, तो ये कितना बनेगा? रुपीज में से रुपीज घटाओगे ना, सेम में से सेम, परसेंटेज तो नहीं घटा सकते क्योंकि अलग क्वांटिटी। तो 50 के केस में माइनस 20% करके नहीं, 50 में से ये वैल्यू घटा रहे हो। सिमिलरली 100 में 90% जब माइनस करोगे तो 100 का 90% खुद 90 होता है। अब ये तो लिख लिया, तो अब घटा सकते हो 100, 90। यहां पर भी 100 का 80 रह गया, 100 का 80 रह गया तो 100 का 80% कितना होता है मुझे ये बताओ? 80 होता है, तो 100 में से 80 गया कितना परसेंट रहे? कितना परसेंट ड्रॉप आया? 20% ड्रॉप आया भाई। 100 का 80 रह गया, 20% ड्रॉप है, कितना है? समझ में आया? एनी डाउट? आप कोई और वैल्यू भी ले लें। क्या कह रहे हो? 25% डिक्रीज, ठीक है भाई। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? तो आप चाहो एक एग्जांपल और ले लेना। क्या करना आप, अब मैं लास्ट में प्रैक्टिस बोलूंगा आपको। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये सब्जेक्टिव तरीके समझे। आप प्राइस 50 रुपये मान लेना, कंजम्पशन मान लेना 50 किलोग्राम हुई है, तो एक्सपेंडिचर कितना बनेगा? 2500 बनेगा। कितना बनेगा? तो मान लिया 25% बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। तो 50 का 25% कितना होता है? 50 का 25% 25 होता है, 50 का हाफ 50, 50 का 25% का मतलब हुआ 50 का 1/4, और 50 का 1/4 कितना होता है? 15 भी नहीं आएगा यार। अगर 60 होता फिर वो बात होती, 60 का 60 का होता है, तो ऐसा करो 60 ले लो, क्योंकि इसका ना फ्रैक्शन में आएगा। हाँ फ्रैक्शन में आएगा, तो ऐसा करो 60 वैल्यू ले लो। मैं फ्रैक्शन नहीं चाहता, 60 ले लो। हाँ देखो 25 ऐसे करना था, देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 50 के 1 4 हिस्से कर लो, कितने से? तो 50 के 4 हिस्से कितने करोगे? ए ऐसे इक्वल इक्वल पार्ट कर लो। तो अगर 12.5 ये कर रहे हो आप, 12 चौके 48, 49 और 50 हो गया फिट, ऐसे करके देख लो। तो प्राइस इसका बढ़ा लो, इसका मान लिया प्राइस आप 10% बढ़ा लो, ऐसे करते हैं ना। 25% भी क्यों कर रहे हैं, वही ले लो हम, वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। पर यही बात हमने 25% वाले को प्रूव करना है। चलो 60 लो, इसका 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ाओ इसका। 60 का 25% कितना होता है? 1/4 15 75 कितना आ जाएगा? और ये अब ये पता कितना हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा 3000 आएगा, है ना? अरे ये हमने चेंज कर दिया ना। अब यहां पर एक्स लिख लो, क्या लिख लो? इक्वल टू 3000 इक्वल टू, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होना चाहिए प्राइस कंजम्पशन। अब एक्स की वैल्यू निकालो, 3000 डिवाइड बाई 75 करो इसको, 15 240 कितना है? तो पहले शुगर लग रही थी 50 किलोग्राम, कितनी लग रही थी? अब कितनी लग रही है? दोनों में डिफरेंस कितना है? कहां से चेंज होना शुरू हुआ? अरे 50 से इंटू, कितना आएगा? तो यही तो बताया था चेंज, जहां से चेंज होना, कुछ भी वैल्यू लो हमने। अच्छा वो क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया था, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता। अभी देखना आपने रैंडमली वैल्यू उठाई और आंसर फिर से कितना आया? 20% लिखा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया आपने। क्या किया? आप ये समझ के लग रहे होंगे, जो चीज पहले 50 किलो लग रही थी अब 40 किलो लग रही है, तो आप उसको मानेंगे 50 में से 40 वैल्यू में तो 10 किलोग्राम खत्म हुआ है, लेकिन परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी घटी है? 20%।
क्योंकि 50 का 10% कितना होता है? 5। 50 का 10% अगला 10% ये भी 5 है ना, 50 के 10% 5, तो 50 का 20% कम होने का मतलब है 2 5 आए, 2 5 कितने होते हैं, अरे 2 5 कितने होते हैं, 20% कम हुआ ना, नहीं नहीं 50 का 20% निकाला ना हमने, 50 का 10% कितना होता है, 50 का 10% निकालो 5 आएगा ना, ये गलत कर दिया मैंने, 5, तो 50 का 10% होता है 5, फिर 10% होता है 5, इस तरह से बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप 10 किलोग्राम शुगर कम कर रहे हो तो 10 किलोग्राम शुगर कम कर दी तो कितना परसेंट बन गया, 10 और 10, और जब ये 10 बन गई, 10 किलो ये बन गई ना, 10 किलोग्राम का फर्क आ रहा है, तो परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी बनी, 10 और 10 कितना परसेंट है, आया है समझ में। तो इसको नॉर्मल मत समझना कि ये नॉर्मल, जितना नंबर में कम हो रहा है उतना परसेंटेज में भी कम होगा। 100 के केस में तो गेम सही रह जाती है, 100 में 10% 10 होता है, 5% 5, बाकी में सब में समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने यहाँ वैल्यू भी चेंज करके देखी, आपने देखा कि हमारा आंसर अभी भी कितना परसेंट ड्रॉप आ रहा है, 20% ड्रॉप, ठीक है। अब बात आती है इसको फिर ऐसे करेंगे क्या पेपर में, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एक छोटा सा कंसेप्ट समझो रेशो का, क्या समझा समझो, रेशो का मतलब होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं ए रेशो बी, क्या लिख रहा हूं, इनका मतलब दो दो लोगों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसको आप ए बाई बी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो स्टूडेंट। अगर मैं ये आपको कह दूं कि इन दोनों रेशो में इनवर्स रिलेशन हो गया किसी वजह से, क्या रिलेशन हो गया, मैं वो प्रूव करूंगा अभी कि इनवर्स रिलेशन है। तो अगर किसी दो क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन का मतलब बताइए क्या होता है, उसको वन बाई करना होता है, क्या करना होता है, तो ये क्या बन गया, बी बाई ए, क्या बन गया, और बी बाई ए जब ए बाई बी एज टू बी है तो बी बाई ए क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो चीजों में अगर 3 4 का रिलेशन आ रहा है और उसके इनवर्स कितना बनेगा रेशियो का, क्या बनेगा, तो ये करना आ गया, अगर 3 4 है तो 4 3, यहां 4 3 है तो क्या करोगे, 3 4, इनवर्स करना आ गया। ट्रिक समझने जा रहे हो आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ट्रिक के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो प्राइस बता रहे हो आप, प्राइस की बात करते हैं, प्राइस 100 था, 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% 25 होगा, 100 के तो सारी वैल्यू वही होती है जो लिखा होता है, 100 का 25% 25, 100 का 30% 30, 100 का 25% 25 हुआ, तो दोनों को ऐड करके कितना बन गया, तो प्राइस का रेशियो निकालो, प्राइस कितना बड़ा है, 25 चौके 100 25, प्राइस का रेशियो कितना है, 4 5, प्राइस का रेशियो कितना है, प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो गया रेशियो में, 100 से बढ़ के 125 का मतलब है 4 से बढ़ के 5 हो गया, ठीक है, बढ़ी रहा, क्या कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कंजम्पशन, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, प्राइस कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, क्या, और ये ट्रिक करा रहा हूं, ट्रिक सीधा मुझे ये बताओ प्राइस और कंजम्पशन में आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स, डायरेक्ट या इनवर्स, कौन बताएगा, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट थोड़ी ना है, प्राइस और कंजम्पशन में पूछ रहा हूं, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आता तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन आता है, बताया था मैंने आपको, अगर ये बढ़ गया तो ये घटना होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, क्या होता है। तो अगर प्राइस का रेशियो 4 से 5 आ रहा है, अब सब ध्यान देखेंगे, तो कंजम्पशन का रेशियो ये बनना चाहिए, क्या कहते हो, प्राइस 4 से 5 हो गया, कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगी, यही होगा अगर इनवर्स रिलेशन, और हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, निकाल लेते हैं अब कितना चेंज आ रहा है, 5 से बढ़ के 4 होगी, तो डिफरेंस दोनों में कितना है, कहां से चेंज होना शुरू हुआ, पहले कंजम्पशन 5 थी, अब 4 हो रही है, तो 5 से शुरू हुआ ना, ये 4 से शुरू हुआ कंजम्पशन, कंजम्पशन कहां से घट रही है, 5 से 4 हुई है, तो 5 से शुरू हुआ, मैंने क्या बोला, जहां से शुरू होती है कोई चीज, तो शुरू कहां से हुई है, कटनी 5 से, तो डिवाइड बाई आंसर, परसेंटेज में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी आंसर देखना क्या आएगा, प्राइस 4 से 5 हो गया, कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगी, बस ये चेंज आपको निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चेंज क्या होता है, डिफरेंस जहां से चेंज होना शुरू हुआ वो नीचे,
इंटू 100। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जब करोगे ना तो उसमें ऐसे बोलेंगे 2020 में कोई चीज 40 थी और 2022 में वो 60 हो गई, तो परसेंटेज चेंज बताओ कितना है। तो बड़ा आसान है, कितना कहां से चेंज हुआ, शुरू हुआ इंटू हो गया डीआई के कोर क्वेश्चन, वहां डाटा के क्वेश्चन होते हैं 20 में ये डाटा इतना कंजम्पशन हो रहा था, 21 में इतना, 22 में इतना, तो इस दोनों में ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। यहां 60 था 2020 में कुछ 60 किलोग्राम थी, यहां वो 40 यूज हो रही है। अब बताओ क्या बनेगा इसका, डिफरेंस कितना है, कहां से चेंज होना शुरू हुआ, 60 से घटी है लेकिन 60 से चेंज होना शुरू हुआ इनटू, एक और क्वेश्चन हो गया। चेंज तो यहीं से देखेंगे ना जहां से चेंज होना शुरू हुआ, तो कंजम्पशन जहां से शुरू हुई तो वही नीचे लिखेंगे ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने इसकी ट्रिक करनी है तो आप ये चीज समझेंगे, परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, जहां से शुरू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से। यस और नो, आप खुद बताइए, अगर आपका 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 कोई पर्सन वेट कम कर रहा है, समझ में आ, तो उसका मान लिया पहले 80 किलोग्राम वेट है, अब उसका 60 रह गया, तो पहले उसका वेट कितना था 80 किलोग्राम और अब आज कितना है, आज की वेट में मान लिया 60 किलोग्राम है, तो परसेंटेज चेंज देख रहा है कितना उसकी बॉडी में चेंज आया। वैसे तो 20 किलोग्राम कम हुआ है कितना, लेकिन परसेंटेज में कितना कम हुआ है, दोनों में डिफरेंस कहां से चेंज होने शुरू हुआ 80 से इंटू 100, 4 कितना कम हुआ है भाई 25% कम हुआ है वेट, कितना कम हुआ है, आया समझ में। कितने भी लॉजिक लगा लो, चेंज परसेंटेज चेंज आपको निकालना आना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अब आएगा वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको एक्चुअली में फ्रैक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। इसमें बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, आया समझ में। कल आप कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए थे बाद में क्लास के बाद, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन समझ रहे और बहुत परेशान हो रहे थे, मैंने कहा अभी तो मैंने परसेंटेज आपको पूरा हफ्ते कराना है, राइट, क्योंकि ये तो पूरा क्वांट है, समझ में आया। तो आप वेट तो करें, ये एकदम से नहीं बताया जा सकते। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, आपने ट्रिक से करना है, सब्जेक्टिव मेथड से मत करना इसको। सब्जेक्टिव भी सिखाया अभी आपको, सबसे पहले कुछ भी ले लो, प्राइस ले लो, कंजम्पशन ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, प्राइस बढ़ा लो, फिर कंजम्पशन की जगह एक्स रख लो और फिर वैल्यू निकाल लो, तब तो निकाल ही दोगे। वो तो ऐसा तरीका है सब्जेक्टिव, कभी भी यूज कर लो, आंसर उससे भी गलत नहीं आने आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह में आपने इनवर्स रिलेशन फिर से लगाने, टाइम एंड वर्क में भी लगाने। अब ध्यान से सुनो, अच्छा किसी शुगर का प्राइस आपका बढ़ गया, ये फ्रैक्शन हमने यूज कर रखा है भाई पहले से, ये खतरनाक क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 33/3%, कंजम्पशन कितने परसेंट कम हो जाएगी। एक चीज ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, एक और भी बताऊं आपको बाद में, एक ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, वो लेवल 3 या 4 में जाएगा। बताइए प्राइस शुगर का बढ़ा दिया, कंजम्पशन कितने परसेंट कम होगी, आपको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रखना है, मतलब प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन रखना है। क्या रखना है, इनवर्स रिलेशन। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, शुगर का प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन घटानी है। एक ऑप्शन में अगर ये लिखा हो 33/3% डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो कंप्लीट गलत है, ये तो आपको पता होना चाहिए पहली बार, क्योंकि जितना परसेंट बढ़ता है उतना परसेंट आप परसेंटेज में उतना घटा दोगे। परसेंटेज में पहले दिन से बता रहा हूं, परसेंटेज में ये लॉजिक नहीं काम करता है ना, अभी भी देखा आपने लेटेस्ट क्वेश्चन। दिक्कत हमें इस चीज को लेकर है ना, इस चीज को लेके पहले इसको ओपन करो, कितना बनाए 100/3 ना, परसेंटेज की जगह परसेंटेज अगर मुझे रिमूव करना तो इसकी जगह क्या लिखना होता है, नहीं नहीं यार 1/100 कितना आएगा, हाँ जी, तो अगर ये 1/3 का फैक्टर है तो ये कह रहा है, अगर ये प्राइस है तो ये प्राइस इंक्रीमेंट की बात बोल रहा है, तो प्राइस बनेगा, वेरी गुड, प्राइस 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, ये ट्रिक मैंने सिखाया था आपको, आ गया रेशो, प्राइस का रेशो 3 से बढ़ के 4 हो गया, कंजम्पशन का रेशो 4 से घट के 3 हो जाएगा, क्या कहते हो, ये पता चला कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि प्राइस जब तक ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है तब तक मैं इनवर्स रिलेशन यूज करूंगा ही करूंगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी देखना आपको कितना जोएगा आप करोगे इस चीज को अगर समझ पाए। प्राइस 3 से 4 हुआ, आप देखो डील इसको डील करना कितना आसान हो गया, अगर आपने ये चीज सीख रखी है, सिखाया था ना पहले भी कि इंक्रीमेंट का मतलब टोटल में, अगर इंक्रीमेंट टोटल में 1 ऐड कर दो तो 4/3, और डिक्रीमेंट करना होता तो क्या बनता है इसका फैक्टर, फ्रैक्शन, अगर डिक्रीमेंट करना होता तो क्या फ्रैक्शन बनता है इसका,
टू बाई थ्री का फ्रैक्शन कितना बनता, थ्री में से वन माइनस किया टू बाई थ्री, ये टोटल होता है, क्या होता है फ्रैक्शन की बात करो, अगर सिर्फ फ्रैक्शन है। प्राइस तीन से चार हो गया, कंजम्पशन चार से तीन हो गई, कंजम्पशन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये रहा डिफरेंस दोनों का। अरे कोई बच्चा बोलता है सर ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये तो चार है ये तीन है, अरे भाई आप दोनों में फर्क क्या है, इसको आप चार एक्स मान लो इसको तीन एक्स मान लो, जैसे आप इसको एक्स मानोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी बीच में, क्या हो जाएगी समझ में आ। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फोर इज टू एट का मतलब ये नहीं होता कि ये फोर रुपीज है और एट रुपीज है, बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे इसका मतलब क्या है, फोर बाई एट है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक बाहर से एक फैक्टर होता है एक्स, क्या होता है एक्स को अगर यहां मल्टीप्लाई कर दे और एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा फोर एक्स, और अगर बाई चांस एक्स की वैल्यू वन हुई तो फिर तो ये फोर और फोर रुपीज और एट रुपीज बन ही रहा है, इसलिए इसको मैं नॉर्मल वैल्यू लेके चल रहा हूं, क्या इसको फोर रुपीज इसको थ्री पे लेके चल रहा हूं, एक्चुअली मैं एक्स में हर मैं क्या मान रहा हूं सेम मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, और एक्चुअल में ये अच्छी एफ होता है, क्या होता है फोर एक्स, अगर एक्स की वैल्यू टू हुई तो ये एट हो जाएगा, ये सिक्सटीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर और एट का रेशियो कितना होता है फोर बाई एट का वन बाई टू, इसका रेशियो कितना होता है वन बाई टू ही बनेगा आठ बटे सोलह, अगर एक्स की वैल्यू दस होती तो ये चालीस या अस्सी, चालीस और अस्सी तब भी रेशियो क्या बनता। एक्चुअल में अगर आपको कोई ये कह दे कि ये आप एक वैल्यू क्योंकि ये रेशियो में है किसमें, इसको आप फोर रुपीज थ्री रुपीज ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे दिमाग में आपके दिमाग में स्टेप पहले से चल रहा है कि मेरे लिए ये हट चुका है और वन यहां मल्टीप्लाई हो चुका है एक्स की वन, तो ये फोर और थ्री बन चुका है वैल्यू, अभी दो वैल्यू बन गई फोर, इसको वैल्यू नहीं बोल सकते आप क्योंकि तो एक कंप्लीट फ्रैक्शन है ये फोर बाई थ्री का एक फ्रैक्शन है ये, इसकी एक वैल्यू आएगी वन, चार को तीन से डिवाइड करेंगे ऐसे करके तो वन पॉइंट समथिंग बनेगा है ना, वो एक वैल्यू आएगी, लेकिन फोर बाई थ्री को एक अलग अलग ऐसे वैल्यू कैसे मान सकते हैं, बीच में वन मल्टीप्लाई कर दो यहां पर भी और कर सकते हो, ये फोर रुपीज हो जाएगा और थ्री, ऐसे ये थ्री रुपीज है फोर रुपीज, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप इसको यहीं कहीं ट्रीट करें फोर और थ्री। हाँ जी चेंज कितना आया, चार में से तीन गया एक, कहां से चेंज होना शुरू हुआ और किससे मल्टीप्लाई कर दे अगर परसेंटेज में चाहिए तो इसका कितने परसेंट डिग्री चाहिए आपको, 25% आएगा, जो 33 ऑफ 1/3 परसेंट इंक्रीज अगर दिख रहा था, इंक्रीज दिख रहा था तो एक्सपोनेंशियल कितनी कंजम्पशन कितनी कम हो जाएगी 25% डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको दिमाग में अज्यूम भी नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन ये आंसर इसका ऐसा आना था, समझ में आया। टेक दिस क्वेश्चन अगेन, मैं दो तीन क्वेश्चन और आपको देता हूं, आप वो ट्राई करें अभी, ठीक है ट्राई करें आप इन क्वेश्चन को एक बार, जो लाइव जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा है भाई, सोमनदीप मनप्रीत परविंदर जो मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी नीचे तक की स्क्रीन है मेरा स्क्रीन पर, एक बार में मुझे दो या तीन दिखते हैं इसलिए ऊपर वाले नाम बोलता हूँ हमेशा, ठीक इसलिए आप हमेशा पहले ही आए करें क्लास में, ठीक है लेट आओगे तो नीचे दिखेगा, इसका ऑर्डर कुछ होता है। कर लिया भाई सबने, अगर ये समझ में आ गया ना तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, सुगर का प्राइस दिक्कत सिर्फ इस फ्रैक्शन को लेकर आ सकती है, ठीक है और वो आपको इसको डील करना आपको आ चुका, ठीक है दिखाइए करके। ऑप्शन ले लीजिए, कितने परसेंट का ड्रॉप आएगा कंजम्पशन में, कितने परसेंट का ड्रॉप आएगा कंजम्पशन में, 10% कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 10%। एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है बस,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंजम्पशन की वैल्यू निकाल के देखनी। 11 ऑफ 1 बाई 9 का फ्रैक्शन बताइए क्या बनेगा, 100 बाई 9, फिर इसकी जगह क्या लिखें, तो 1 बाई 9, इंक्रीमेंट है प्राइस तो 10 बाई 9, ये हो गया बस। ये पता चला कैसे लिखा 1 बाई 9 से, क्योंकि प्राइस बढ़ाने की बात कर रहा है, तो प्राइस 9 से बढ़ के कितना हो गया, एक जोड़ दो 10 बटे 9। अब देखो बस हो गया क्वेश्चन, प्राइस 9 से 10 हुआ है, कंजम्पशन 10 से 9 हो जाएगी, हो गया बस। डिफरेंस कितना हुआ, 1, कहां से चेंज आना शुरू हुआ, 10 से, इनटू आंसर कितना आया, 10% का ड्रॉप, कितना परसेंट का ड्रॉप है, सी, वेरी गुड भाई, सी सी, वेरी गुड, सबका सी आया, आया समझ में। इसकी अगर आपने मतलब यही क्वेश्चन 20 बार करके देख लिए ना, तो आप भूलना भी चाहोगे ना, तो भूल भी नहीं पाओगे, और पेपर में सबसे पहले आप ढूंढते फिरोगे, वो आ तो नहीं रहा कहीं क्वेश्चन, एक दो तरी, एक तो वो चीज होती है कि आप क्वेश्चन से भाग रहे हो, और एक हो गया कि क्वेश्चन आपसे आगे आगे भाग रहा है, ठीक है, तो कहाँ है वो क्वेश्चन, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वाला, कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज वाला, सॉरी। कोई डाउट, अच्छे से नोट करो भाई, आ रहा है समझ में, एक क्वेश्चन और कर लो इसका, सेम ऐसा करो, उल्टा करते हैं, इसी को उल्टा करते हैं, पहले इसी का करो आप उल्टा, पहले उसके बाद फिर आएंगे। अभी क्या दिया था फ्रैक्शन आपको, 11 ऑफ 1 बाई 9 ना, इसको ना प्राइस को यहां ड्रॉप कर दो, प्राइस कम कर दो आपके पास, और कंजम्पशन बताओ कितनी बढ़ेगी, करते हैं क्वेश्चन को फिर से, फैक्टर तो आपके पास पहले से ही पड़ा है, आ जाओ। अब की बार प्राइस कम कर दिया, अब एक बात समझो, आपने 1000 रुपया जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया ना, 10,000 रुपया खर्च करना ही करना है अगर शुगर पे, और प्राइस कम हो रहा है तो ज्यादा ही कुछ शुगर लेके आओगे घर में, ये सुन लो, समझ गया, अगर शुगर का प्राइस कम कर दिया तो कंजम्पशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खर्चा उस पर बजट बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे लाके आपको किसी को डोनेट करनी पड़े दे देंगे, पर लेकर जरूर आएंगे, 1000 रुपया 10,000 रुपया खर्च करना ही करना है, राइट। अच्छा बताओ आप कैसे करेंगे, फ्रैक्शन क्या बना यहां से याद है आपको, 1/9, तो इससे ना प्राइस कम हुआ है, तो प्राइस 9 से कितना हो गया, अरे यही तो होगा इसका डिक्रीमेंट फ्रैक्शन, तो प्राइस कितना हुआ, 9 से घट के 8 हो गया, तो कंजम्पशन बताओ कितनी हो जाएगी, 8 से बढ़ के 9, अरे समझ में आ रहा है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उनका सबका यही कॉन्सेप्ट बन सकता है, सब में कर सकते हो आप इस, ऐसा मैंने इंक्रीमेंट सिखाया, एक मैं डिक्रीमेंट भी सिखा देता हूं, बताओ चेंज कितना आया, डिफरेंस कितने का है, कहां से चेंज आना शुरू हुआ, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/8 का कितना बनेगा, 4, ठीक है, यही है ना, तो ये बन गया 12.5% इंक्रीज, ठीक है, अरे समझ में आया, इसमें हम 8/9 क्यों किया, तो प्राइस 9 से 8 हो गया, प्राइस कम हो गया, टोटल में से एक कम कर दिया, तो प्राइस 9 से 8 है तो कंजम्पशन इनवर्स रिलेशन में चलती है, तो ये 8 से 9 हो गई, डिफरेंस कितना, एक, कहां से शुरू हुआ कंजम्पशन, 8 से बढ़ के 9 हो गया, तो 8 से शुरू हुआ था, तो डिवाइड बाय 8 इनटू 100, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा हर बार अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये केस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पेपर में हर बार प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, प्राइस घट भी सकता है, तो देख कर करना उस चीज को, और ये मैंने डील करने आपको सिखाए थे एक क्लास में, सिखा दिए कि कैसे फ्रैक्शन से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू बनाते हैं, राइट, आया समझ में, यही वो ट्रिक है जो हम सेल्फ स्टडी से बहुत टाइम लग जाते हैं, समझ में, सीरियसली मैंने भी देखा है कि 2-3 साल लग जाते हैं क्वांट को अगर अच्छे से एक सब्जेक्ट को करें, ठीक है, अगर आपको 2-3 महीने में करना है तो आप ये सारे जो प्रोसीजर है फॉलो करें,
सबका 12.5% आया, किसी का अलग आया, इतना ही है। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसका, अगर प्राइस 12.5% ड्रॉप कर जाता है तो कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। ठीक है, प्राइस सुगर का डिक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है, तो कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज होगी, 12.5% का फैक्टर रखिए वो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहां लाइव है सबको समझ में आ रहा है भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन सब बताओ। सोमनदीप परविंदर, मुझे सीरीज दिख रही है एक बार, मनप्रीत मनप्रीत सोमनदीप परविंदर, समझ में आ रहा है? ठीक है सुनीता, क्लियर है, कर लोगे? तो बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी, मतलब अब जो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सबका सबसे पहले यही क्वेश्चन चेक होगा कि ये कितने लोगों ने गलत किया। ठीक है, सुनो आगे ध्यान से। अब तक क्या चल रहा था, एक केस क्या चल रहा था, एक केस का क्वेश्चन तो ये था कि मान लिया कोई चीज 100 रुपए की है, वो उसमें इंक्रीमेंट आ गया 12.5% का, तो वो कितने की हो जाएगी। इससे पिछले वाला क्वेश्चन कौन सा था वो लेते हैं पहले, इससे पिछले वाला ये वाला था ना, कोई चीज अगर 100 रुपए की है, ये उसमें इंक्रीमेंट आ गया तो वो कितने की हो जाएगी ये बता दो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोई चीज अगर का उसमें ये अमाउंट नहीं गिवन होता, उसमें गिवन होता मान लिया प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट था वो, डिक्रीमेंट आ गया कितने का, 11/9 का, तो आपने ये बताना है कि कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, क्या कॉन्स्टेंट रखने के लिए। ये तो अभी अभी किया, क्या आंसर आया था इसका, प्राइस ड्रॉप कर गया, कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज, 12.5% क्या आया था, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या चल रहा है फॉर्मूला अभी यहां पर, क्या फॉर्मूला लेके चल रहे हैं हम, अरे क्या फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खर्चा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये दो चीजें समझ में आई, समरी करते चले जाइए, समरी बार बार करिए, समरी जितनी बार बार समरी करेंगे, रिविजन करेंगे, क्लास लगाएंगे और सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट देंगे, बस गोल्डन रूल है। आपके सारे क्वेश्चन अगर ठीक आपको करना है, ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आपको रिजेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे कभी टेस्ट में बना ही नहीं, सोल्व ही नहीं हुआ, उसको पेपर में छेड़ोगे भी नहीं आप, उसको पता ये नहीं कर सकता, इसको तो मैं टेस्ट में भी नहीं कर पाया, ये सर नो, मतलब आपको अपनी वीकनेस पता रहेगी, समझ में आया, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हर बार गलती हुई है, तो आप पेपर में अगर नहीं ट्राई करा होता तो आपको पता भी नहीं होता, आप उसको ट्राई भी करते हो टाइम भी खराब करते, राइट, इसलिए आपको लगातार बोला जा रहा है कि टेस्ट तो सबने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक भी अपनी गलती पता चलेगी तो आप 10 चीजें ना सीखो, आप अपनी एक गलती पकड़ लो कि मेरी ये गलती, मेरे से मिस्टेक ये होती है इस पॉइंट पे, है ना, वैसे बोर्ड मास वाले को टॉपिक में मेरा बहुत वीक है तो मैं इस क्वेश्चन को छेड़ूंगा नहीं, खासकर स्टार्टिंग में, पहला ही क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट किया मान लिया बोर्ड मास, और आपकी वो खुद वीकनेस है, आपको पता भी नहीं, पेपर के स्टार्टिंग के अगर पहले 10-15 मिनट में आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीट माइंड ब्लॉक हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो जीएस होगी फिर, ना इंग्लिश होगी, क्योंकि आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगा कि यार निकल ही नहीं रहे क्वेश्चन, क्यारी ऐसी होनी चाहिए कि स्टार्टिंग आधे घंटे में आप क्वेश्चन सोल्व भी मत करो, अगर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे ना, और ये दोगे क्लास लगाओगे टेस्ट दोगे, तो आपको 100 में से 30 क्वेश्चन का तो आंसर पहले से पता होगा, इसका तो सी है, ये तो काऊ वाला क्वेश्चन है, इसका तो डी आएगा, इस तो मुझे कल ही परसों ही करा था, सुनो अगर वो 30 क्वेश्चन आपने आधे घंटे में कर दिए, समझ में आया, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना बन जाएगा, फिर आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर जाओगे, आपको अपने दिमाग के साथ चलना है, समझ में आया, तो स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छेड़ना जो आपकी हमेशा वीकनेस रही क्लास टेस्ट के दौरान, समझ में आया, समझने के दौरान नहीं क्लास टेस्ट में, ये लिखनी है अपनी कमी कि ये मेरी हमेशा से कमी रही। चले आगे, तीसरा अब क्या करूंगा मैं, प्राइस भी चेंज करूंगा, ठीक है, कंजम्पशन चेंज और एक्सपेंडिचर चेंज, सब चेंज होगा। तीसरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन लिखिए,
इफ प्राइस ऑफ सुगर, प्राइस ऑफ सुगर बीस परसेंट इंक्रीज किया, कितना? प्राइस चेंज, कंजम्पशन चेंज, एक्सपेंडिचर चेंज, एक्सपेंडिचर सब चेंज होगा, इस केस में क्या करेंगे? ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क्स कर लो, केस थ्री या केस फोर लिख लो इसको, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं रहा, प्राइस 20% बढ़ा, कंजम्पशन 10% कम हो गई, क्या हो गई? कंजम्पशन कितने परसेंट कम कर दी? 10%। अब तक आपने देखो पहले वाले क्वेश्चन में, और अब पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस की बात हुआ करती थी, यस और नो? अब की बार क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? कंजम्पशन के कम होने की बात हो रही है ना। फाइंड नेट चेंज इन, फाइंड चेंज इन, फाइंड नेट चेंज इन कंजम्पशन, नेट चेंज इन सॉरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स जो आपका खर्चा होगा उस पर चेंज बताना है, ठीक है? गलत क्वेश्चन है भाई, केस फोर का क्वेश्चन है, पहले वाले जैसा केस नहीं रहा। हाँ जी, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, सब्जेक्टिव तरीका भी कर सकते हो, सब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव तरीका मैं प्रेफर नहीं करूंगा अभी आपको। मुझे ये बताओ, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा सर, जस्ट ये बताओ उस साइड वाले से। हाँ चलो चलो ठीक चल रहा है, बस देखो एक बात, मुझे प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है? 20%। तो मुझे ये बताओ प्राइस 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120। इसका वो रेशियो बना लो, कितना बना? 5-6। अरे पहले जीरो कट गया, फिर 2 से कट गया, दोनों तरफ 5-6 आया, तो प्राइस कितना आया? 5, ठीक है, 5-6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो फॉर्मूला अलग से लिख लो ना, ऐसे या प्राइस इंटू कंजम्पशन हमारी क्या होती है? एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले मैं प्राइस बताता हूँ, प्राइस कितना हुआ? 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। ऐसा ही यही हुआ, देखो 5-6 हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लाइन होती नहीं थी, है ना? उसमें हम कंजम्पशन के क्या क्या बनाते थे? 6-5, और क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता था, है ना? इसका इन्वर्स करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कंजम्पशन अलग से निकालेंगे। कंजम्पशन में कितना ड्रॉप हुआ है? 100 से 10% कम होने का मतलब है 100 से 90 हो गई। 100 का 10% 10 होता है, और 100 में से 10 गया 90 होता है, तो ये कितना बना? 10-9। इसको इससे अब कंजम्पशन का इससे कोई लेना देना नहीं रहा, कंजम्पशन हो गई आपकी 10 से 9, क्या कहते हो भाई? पहले में प्राइस और कंजम्पशन, जब ये चीज फिक्स होती है ना, तभी ये दोनों में इनवर्स रिलेशन में जाते हैं। जब ये चेंज हो गई तो फिर एक बात हो, पहले एक बात मुझे बताओ, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 20 है। अगर कहते हो आप इस 20 को बढ़ा के 40 कर दो, तो फिर तो दोनों चेंज कर लो, फिर क्या दिक्कत है? कैसे भी बढ़ाओ घटाओ, जब तक इसको 20 रखना चाहते हो तो इसको बढ़ाओगे तो फिर इसको घटाना पड़ेगा क्या? हाँ, तो 1-0 कट गई ना, 10-9 आएगी, 10-9 रहेगी कंजम्पशन, 10-9 रहेगी, 10/9 ना, 10/9, 10/9 रहेगी। अब हमने एक्सपेंडिचर बताना है, एक्सपेंडिचर में चेंज बताना है, क्या बताना है और कौन सा चेंज बताना है पता है आपको? इधर देखो आप, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? ई, तो P into C कितना बन गया? 50। आप इसको रुपीज मान लो ना, 1 से मल्टीप्लाई करके, यस और नो? 2 से भी कर लो, फिर यहां भी 2 से करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए दोनों तरफ, समझ में आया? अच्छी समझ में आएगा आपको। तो 5 कितना हो गया मल्टीप्लाई? 50। ये कितना बना? अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये प्राइस है कंजम्पशन, कितना बनेगा? 6×9 कितना होता है? 100 ना, 100 होता है। कहां सो रहे हो? कंजम्पशन का यही पहले ये थी, अब इतनी है कंजम्पशन में चेंज। हाँ जी, 4 कहां से शुरू हुआ? इंटू 8%।
अच्छा इंक्रीमेंट हुआ क्या डिक्रीमेंट हुआ ये बताओ, 50 से 54 हो गई तो इंक्रीमेंट हुआ ही, अगर अगर 54 से 50 होती तो 8% ड्रॉप भी हम कर सकते थे, तो ये अब इंक्रीमेंट है, कंजम्पशन एक्सपोनेंशियल बढ़ा है, ध्यान रखना। पिछले वाले क्वेश्चन में तो गिवन ही होता था कि कंजम्पशन कितना परसेंट ड्रॉप करें, डिक्रीज करें, लेकिन यहाँ तो ठीक है लिखा ही है 50 से 54 हो गई, बढ़ गई 8% इंक्रीज। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ इसमें, इसका एक और बैकअप है इसका, ये समझ में आया? किस देखिए आप, यहाँ देखिए प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज बाई 20% ना, देखो स्टार्टिंग वैल्यू मान लो आप 100, क्या मान लो 100 से शुरू है वाले, 100 मानना बड़ा इजी रहता है, पहले प्राइस की सुगर कितना, प्राइस कितना बढ़ा 20%, तो कितना हो गया 120 बटे 100, 100 से शुरू है, हाँ जी, उसके बाद कितना परसेंट कम हुआ 10%, क्योंकि अभी पी इंटू सी इक्वल टू चल रहा है ना 90/100, सोल्व करो इसको कितना आ रहा है, 108 आया, कितना आएगा, तो कोई चीज 100 से 108 हो गई है, 100 से 108 होने का मतलब है 8% का इंक्रीज, सीधी सी बात, 100 का 8 8 ही होता है, कितना आया, ठीक है, नहीं ये ठीक, ये यही करना है आपने, ये नहीं करना, यही करना है पेपर में ऊपर वाला, ये वाला ट्रिक मैं आपको सजेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत सिखाया, ये बहुत काम आना है आपको, ये वाला मेथड है ना, तो ये इससे भी आ सकता है आंसर, लेकिन इससे मैं कहूंगा नहीं आपको करना नहीं है, क्योंकि तरीके बहुत हैं और हो सकता है, इसलिए मैंने दिखा दिया क्योंकि मैंने देखा है 2-3 जगह इस तरह का सोल्यूशन गिवन होता है, तो आप को लगे क्या इस तरह से भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, आंसर 8% इंक्रीमेंट आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक क्वेश्चन लिखो, ये बहुत हो गए, एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ लोग इसको वजह से पेपर में छोड़ाते हैं कि ट्रेंगल वाले तो क्वेश्चन हम करके नहीं आए, लेकिन ये इस परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ ट्रेंगल, इफ लेंथ ऑफ ट्रेंगल, सॉरी इफ लेंथ ऑफ ट्रेंगल, रेक्टेंगल ले लो, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 20%, इंक्रीज बाई 20%, लेंथ 20% बढ़ा दी, ठीक है, और ब्रेड्थ 8% कम कर दी, ब्रेड्थ रेक्टेंगल की डिक्रीज कर दी बाई 8%, फाइंड चेंज इन एरिया, चेंज परसेंटेज इन एरिया, दस परसेंट ले लो इसको, फ्रैक्शन में आंसर नहीं जाता अभी मैं, ठीक है, और रेक्टेंगल के लेंथ 20% बढ़ा दी, ब्रेड 10% कम कर दी, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, आप समझो इस क्वेश्चन को पहले, ये कोई रेक्टेंगल है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसका, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मान लिया पहले 100 थी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 ले लो, और इसकी 20 ले लो और ये 10 ले लो, सुनो ये लेंथ पहले 20 थी, लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेंथ 20 का 20% बढ़ गया है ना, तो 20 का 20% कितना होता है, 20 का 20% कितना होता है निकाल सकते हो, 4 होता है ना, तो लेंथ 20 और 4 24, तो लेंथ बढ़ के कितनी हो गई 24 हो गई, कितनी हो गई, तो 20 मीटर की अगर लेंथ है तो वो 24 मीटर हो गई, ब्रेड्थ कितनी हुई 10% कम हुई, 10 का 10% कितना होता है 1, 10 का 10%, 10 में 10 के 10% कितना होता है, 10 का 10% कितना होता है, 10 में 10 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
हर बार एक एक करोगे तो ये 10 10 10 10 बार करोगे तो 100% हो जाएगा, इनको भी 10 बार ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी, ये भी 100%, ये भी 100%। समझ में आया? या निकाल के लिखो 10 का 10% कितना होता है, एक होता है। ये मैं आपको जब 1/2 वाले फ्रैक्शन सिखाऊंगा ना, 1/4, इस पर 2 दिन क्लास लूंगा तब ज्यादा समझ में आएगा, प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाला। लेकिन अभी समझिए, तो ब्रेड्थ घट के कितनी हो गई, 10 का 1% एक होता है तो घटी है, तो ब्रेड्थ कितनी रह गई, 9। ये एरिया कितना बना आपको पता है, एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये एरिया कितना बना 200, और ये एरिया कितना बना 9 × 36, 9 × 18 और 3 × 21, 216। अरे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अभी तो डिटेल में कर रहे हैं, आंसर तो मैं ट्रिक करके बताऊंगा आपको। अब एरिया कितना आ रहा है 200, और ये कितना आ रहा है 216। मुझे बस इतना बता दो कि एरिया 200 से 216 हुआ है तो चेंज निकाल सकते हो क्या, बताओ निकाल के, परसेंटेज चेंज बताओ कैसे। ये वही क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज चेंज बताओ क्या आया एरिया में, पहले बताओ एरिया बढ़ा या घटा, बढ़ा, इंक्रीज हुआ है 200 से 216, कितना कैसे निकालोगे, क्या लिखो यहाँ सबसे पहले 16, कहाँ से चेंज हुआ इनटू, मुझे लगता है इसकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी परसेंटेज चेंज निकालने की। अब जो भी कितना आया, 8 आएगा, कितना आएगा 8% इंक्रीज हो गया एरिया, कितना हो गया। तरीका और भी, अगर पहले लेंथ 100 है उसके बाद कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई, तो 120/100 फिर घट गई 10%, सोल्व करके बताना कितना आएगा। अरे बढ़ गया 20%, घट गया 90/100, लेस देन 1 का फैक्टर, आंसर बताओ कितना है, 20% बढ़ी तो 120/100, 10% घटी तो 9। ये अल्टरनेट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मैं इतना बड़ा क्यों करना है पेपर में, सीधा करो 100 में 120%, 20% बढ़ा 120/100, 10% घटा 90/100, आंसर बताओ कितना रहा है 108। कोई चीज 100 से बढ़कर 108 होगी तो कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है, 100 से 108% का, 100 से 108 हुई तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है। कोई चीज 100 से बढ़कर 120 होगी तो कितने परसेंट, 120% का है, 100 से बढ़ के 200 हो गई, डबल होगी, डबल का मतलब 100% होता है, कितना होता है, तो 100 से बढ़ के 108 होने का मतलब 8% का, मतलब मैंने बताया ना आपको 100 का 8% 8 ही होता है, तो इसमें 100 का 8% 8 जोड़ा 108 हो गया, कितना हो गया 100 के, तो वही वैल्यू होते हैं जो उसकी परसेंटेज बोलते हैं, 100 का 4% 4, 5% 5, 10% 10, 100 का 8% 8, तो 100 का 108 होने का मतलब है कितने परसेंट इंक्रीमेंट। तो कौन सा तरीका अच्छा है, यहां पर ये तरीका अच्छा है, समझ में आया। तो आपको यहां कोई, मैंने देखो अपनी मर्जी से कोई भी रेक्टेंगल ले ली, उसका एरिया लिया, वो एरिया निकाला, फिर एरिया में परसेंटेज चेंज किया, समझ में आया, फिर एरिया में निकाल के देखा चेंज, आंसर कितना है 8% इंक्रीज, और डायरेक्ट कर दिया तब भी कितना आंसर आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, मान लिया क्वेश्चन ये आ जाए, इस देखना कि अगर कोई क्वेश्चन देखना, कोई एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ बढ़ गई 20% इंक्रीज हो गई, और ब्रेड्थ घट गई 20%, तो परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में। पहले ये बताओ कितने लोग नो चेंज करने वाले हैं, उनका तो बिल्कुल गलत है, 20% इंक्रीमेंट डिस्काउंट और 20% डिक्रीमेंट डिस्काउंट बराबर नहीं होते, तो कुछ और आंसर आएगा, तो क्या कैसे सॉल्व करोगे इसको, कट गया कितना आया 96, 100 से घट के 96 हो गई, कितने परसेंट का, 100 से कितना परसेंट, कितनी वैल्यू घटाई 4, और 100 का 4 कितना होता है 4%, तो कितने परसेंट ड्रॉप आया, एरिया चेंज हो गया, 100 था एरिया 96 रह गया, अभी तो 100 से बढ़ के 108 हुआ था तो 8% का इंक्रीज था, अब 100 से बढ़ घट के 96 रह गया तो कितने परसेंट का डिक्रीज है। तो कुछ बच्चे लिखेंगे इसमें सर नो चेंज इन एरिया, नहीं नहीं नो चेंज नहीं आएगा, 4% ड्रॉप आया, कितना आएगा, सेम वैल्यू होते हुए भी आपने चीजें समझ में आई। चलो भाई अब आज इतना ही, आज आपकी जीएस की क्लास करा गए, एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आया सबको, परसेंटेज समझ में आया भाई, चलिए ओके।